नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। श्री दुर्गेश्वर कृष्ण लीला समिति द्वारा आयोजित 70वें कृष्ण लीला महोत्सव के प्रथम दिवस क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत कटियार ने पूजन कर लीला का शुभारंभ किया। उन्होंने कृष्ण लीला मंडल के निदेशक हीरालाल शर्मा को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रमों से भारतवर्ष की पुरातन संस्कृति सदैव अक्षुण बनी रहती है। आज प्रथम दिवस वृंदावन धाम के कृष्ण लीला मंडल द्वारा मंचित किया गया कि कंस ने अपने पिता महाराजा अग्रसेन को जेल में डाल दिया और मुकुट स्वयं धारण कर मथुरा का स्वयं यम्भू राजा बन बैठा। उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करने के उपरांत उसे विदा कर रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि राजा कंस, तेरी बहन देवकी का अष्टम लाल ही तेरा काल होगा। यह सुनते ही राजा कंस ने अपनी बहन देवकी व बहनोई वासुदेव को कारागार में डाल दिया। अंततः देवकी के आठवें पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। तभी आकाशवाणी होती है कि राजा कंस तुम्हें मारने वाले पृथ्वी को जन्म ले चुका है। भगवान कृष्ण के जन्म लेते ही पंडाल में बैठे भक्तों ने करतल ध्वनि से भगवान का स्वागत किया। अंत में चौधरी परमेश्वर सिंह गुड्डू, सराफा कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप रस्तोगी, संजय शुक्ला, सुनील मिश्रा, पप्पू व श्री कृष्ण लीला समिति अध्यक्ष सुधीर कुमार मिश्रा सद्दू ने बाल कृष्ण भगवान की आरती कर सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया। रिपोर्ट जमीर खान। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।